समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया सूर्यकंठ महादेव चौक स्थित वार्ड नंबर 13 मोहन ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी। बताया जाता है कि रोज की तरह ही शुक्रवार को मोहन अपने दुकान को बंद कर घर चले गए थे। आगे का गेट बंद देख चोरों ने पीछे से चढ़कर शुक्रवार की देर रात्रि मोहन ज्वेलर्स का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। जानकारी तब हुई जब रोज की तरह स्वर्ण व्यवसाय अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे। स्वर्ण व्यवसाय ने जब अपनी दुकान का ताला टूटा देखा तो सन्न रह गए। उक्त ग्रामीण और दुकानदार के द्वारा इसकी जानकारी तुरंत मुफस्सिल पुलिस को दी गई, लेकिन मुफस्सिल पुलिस करीब 2 घंटे लेट से उक्त घटना स्थल पर पहुंची, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। वहीं मुफस्सिल थाना के एसआई कामेश्वर शर्मा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। बताया जाता है कुछ दिन पहले भी उक्त चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। एक ही जगह पर लगातार 2 बार चोरी होना कहीं ना कहीं सीधे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर पाती है या हमेशा की तरह मुख दर्शक बनी रहती है। बिहार की आवाज न्यूज के लिए समस्तीपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। डकैती हो गया है, शटर तोड़ के डकैती हो गया। क्या चीज का डकैती हुआ? सोना चांदी का। किसका दुकान है ये? ये हमारा है। क्या नाम हुआ? मोहनलाल सोनी। लगभग कितना का चोरी हुआ? लगभग 6 लाख के आसपास। चोरी होने के बाद घटना का आपको मालूम कैसे हुआ? रूम मालिक फोन किया। आप सुबह में कितने बजे यहाँ आए? सुबह में करीब 8 बजे के आसपास। चोरी होने के बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित किए? सूचित किए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या कहा गया है उनके? 1 घंटा से ऊपर हो गया। किनको फोन किए? थाना कोई है क्या? मुफस्सिल थाना वाला को फोन किया। कौन सा जगह है ये? महदिया चौक पर बद्धा है। पूरा नाम अपना बताइए। मोहनलाल सिंह। Thank you.